क्वेश्चन नंबर 13। अ स्फीयर कैन रोल ऑन अ सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा इफ द फ्रिक्शन कोफिशियंट इज मोर देन 2/7 टैन थीटा। यानी कि मिनिमम इतना फ्रिक्शन होना चाहिए 2/7 टैन थीटा, तभी जाके वो रोल कर सकता है। आगे, सपोज द फ्रिक्शन कोफिशियंट इज 1/7 ऑफ जी टैन थीटा, यानी कि जितना रिक्वायर्ड है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका आधा फ्रिक्शन ही अवेलेबल हो तो क्या होएगा? इफ द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट क्या होएगा? इट विल स्टे एट रेस्ट। ये कैसे हो सकता है भाई? फ्रिक्शन तो कम हो गया ना, तो रेस्ट में रहने का तो सवाल ही नहीं भाई। एम जी यहाँ पर अगर मैं इसको रखूंगा तो यहाँ पर एम जी टेन थीटा, एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा है ना। फ्रिक्शन तो और कम हो चुका है, रुकने का तो सवाल ही नहीं यार। फ्रिक्शन कितना भी हो भाई, रुकने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जितना कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, ये ब्लॉक रुक नहीं सकता किसी भी हालत में। या तो रोलिंग विथ स्लाइडिंग होगी, या तो फिर रोलिंग होगी, लेकिन नीचे तो जाएगा ही जाएगा। तो ये तो महागलत ऑप्शन है। इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन होने के लिए क्या जरूरी होता है भाई? फ्रिक्शन का एब्सेंस चाहिए। पर फ्रिक्शन तो है, भले ही कम है, पर है तो। मान लो एम जी साइन थीटा की मदद से वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना यार ऐसे। यहाँ पर इस फ्रिक्शन की मदद से वो घूमेगा ही, पर चूंकि फ्रिक्शन इनसफिशियंट है, जितना रिक्वायर्ड है उसका आधा अवेलेबल, तो रोलिंग उतनी, जो रोटेशन है वो उतना रिक्वायरमेंट से कम होएगा। प्योर रोलिंग के लिए जितनी रोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, रोटेशनल एक्सेलरेशन की, उससे कम रोटेशन होएगा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा? प्योर रोलिंग नहीं होगी, पर रोटेशन भी होएगा और ट्रांसलेशन भी होएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन, तो ये बात तो गलत हो गई। आगे, इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट द सेंटर। बिल्कुल सही बात है, इसी के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि प्योर रोटेशन होगा, लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। पार्ट डी में देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। इसको ऐसे सोचो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है भाई? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। इसका टॉर्क तो जीरो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परंतु फ्रिक्शन तो लग रहा है इधर। इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है क्या? नहीं है जीरो। फ्रिक्शन का टॉर्क नॉन जीरो है। टॉर्क नॉन जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना यहाँ, तो रिमेन कांस्टेंट तो गलत हो गया, डी भी गलत। तो एकमात्र ऑप्शन ये, बी भी गलत था। हाँ, एकमात्र सी इसका करेक्ट आंसर।